नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार सूरज के प्रकाश और गुफा के अंधकार के बीच बात हुई। अंधकार ने कहा, मैंने कभी सूरज के प्रकाश को नहीं देखा। और रोशनी ने कहा कि मैंने भी अंधकार को नहीं देखा। दोनों ने तय किया कि चलो एक दूसरे को देखते हैं। प्रकाश ने कहा, सूर्य के प्रकाश ने, कि तुम्हें आसमां में आना होगा मुझसे मिलने के लिए। गुफा का अंधकार निकला, आकाश की ओर गया और देखा, वाह, आनंदित हो गया कि प्रकाश तो बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। अब सूरज की रोशनी की बारी थी। वो जैसे ही गुफा में प्रवेश हुआ, ने कहा, कहाँ है अंधकार? अंधकार तो है ही नहीं। वास्तव में जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। हम पर निर्भर करता है कि हम प्रकाशित रहना चाहते हैं या फिर अंधकार को पनपने देना चाहते हैं। यदि हम अच्छे विचारों से भरे हुए नहीं होते तो मन का तो काम ही है विचार करना, वो बुराई की ओर चल पड़ता है। कैसे हम अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, सकारात्मक रखें, कुछ ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ओम शांति। प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है कि अगर खेत के अंदर हम बीज नहीं डालेंगे तो प्रकृति उसे घास और भूस से भर देती है, यानी कि अनावश्यक चीज़ें वहाँ उगने लग जाती हैं। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर अगर हम सकारात्मकता का बीज नहीं बोते हैं तो उसका स्थान नकारात्मक विचार ले लेते हैं। तो इसीलिए हम अपने मन के अंदर प्रतिदिन सुबह ही सकारात्मकता के बीज बोएं। शुद्ध संकल्प, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो दिन भर हमें खुशियों के फूल देते हैं और हमारा जीवन महकने लगता है। कभी कभी हम ये सोचकर कि ये मुश्किल है तो दूसरों को हम स्वतंत्रता दे देते हैं, वो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को प्लान और निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य, हमारा प्लान क्लियर है कि मुझे अपने जीवन के अंदर नकारात्मकता को नहीं लाने देना है, तो फिर किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातें हमारे जीवन में स्थान नहीं लेंगी। सुंदर सुवाक्य। मित्रों, सचमुच संसार में आज चारों ओर नकारात्मकता का प्रभाव है। वो कहते हैं, काजल की काली कोठरी में यदि आप जाते हैं तो अपने दामन को बचाने के लिए बहुत बहुत सावधान रहना होता है। तो यदि चारों ओर नकारात्मक वातावरण है तो खुद के मन में हमें सुंदर सकारात्मक बीज तो बोने ही होंगे, ताकि उसके प्रभाव से हम मुक्त रह सकें। अन्यथा तन पर भी और मन पर भी उसका असर पड़ता ही पड़ता है। चढ़ाई की ओर जाने के लिए परिश्रम लगता है, लेकिन यदि नीचे की ओर जाना है तो कोई परिश्रम नहीं लगता। भवन को निर्मित करने में परिश्रम है, उसको ढहाने में परिश्रम नहीं है। ठीक यही हाल आज कली काल में है। सकारात्मकता की ओर चलने में परिश्रम है, नकारात्मकता की ओर जाने में नहीं। लेकिन हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तन को भी स्वस्थ रखना है, उसके लिए हमें अपने मन को स्वस्थ सकारात्मक विचारों से रखना ही होगा, क्योंकि यही हमारे मन और तन दोनों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखता है। आइए देखते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में, आज डॉक्टर साहब हमसे क्या शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जो हमारा हार्ट है दिन रात कार्य करता है और रेगुलर कार्य करता है। जब भी हमारा हार्ट सिकुड़ता है, से आपको पता है कि हमारा हार्ट लगभग 70 बार एक मिनट में सिकुड़ता और फैलता है। तो जब एक धड़कन में दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक सिस्टली होती है, एक डायस्टली होती है।
सिस्टली माना हार्ट का सिकुड़ना, हार्ट सिकुड़ता है, और डायस्टली माना हार्ट आराम करता है, रिलैक्स करता है। तो दोस्तों हमारा हार्ट 0.3 सेकंड सिकुड़ता है और 0.55 सेकंड आराम करता है, डायस्टोली होती है, डायस्टोल पीरियड होता है। पर दोस्तों जब जब हम जल्दीबाजी करते हैं, टाइप ए बिहेवियर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन कंपैरिजन करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एंजाइटी होती है मन में, तो दोस्तों और गुस्सा करते हैं ना, एंगर, कई बार बहुत जोर से गुस्सा कर लेते हैं, कई बार उदास भी होते हैं, कई बार किसी बात को बहुत फील कर लेते हैं ना, कई बार हम थोड़े समय में ज़्यादा कमा लेना चाहते हैं, ज़्यादा मतलब वी वॉन्ट टू अचीव मोर। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है सेंसिटिव और इमोशनल नेचर, अपने मन की बातों को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये स्पेशली इन सब कारणों में सबसे बड़ी चीज़ है एंजाइटी, चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, ये हमारे हार्ट की रिदम को ख़राब कर सकता है, जिससे हमें हार्ट अटैक आ गया। अगर इसको ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो हमें एरिथमियाज हो सकते हैं, ऐसे ऊपर वाले चैम्बर के जो एरिथमियाज हो सकते हैं, जिसको हम एट्रियल एरिथमियाज कहते हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी बीमारी हो सकती है। और दोस्तों नीचे वाले चैम्बर में भी अगर हमारी एक्टोपिक इरेगुलर हार्ट बीट, अर्थात वो बीच बीच में एक्टोपिक्स आ सकते हैं, या कई बार वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, या वेंट्रिकुलर हमारी हार्ट की रेट बहुत फास्ट हो जाती है, जिससे कि अचानक हार्ट बंद भी हो सकता है दोस्तों। ये जानलेवा रोग हो सकते हैं, इसके जो कारणों को अधिकतर निवारण करें। जब कभी भी हमको तकलीफ लगे, ऐसे हार्ट धड़कन इरेगुलर हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, ECG कराएँ, और हो सके तो अपना कई बार हमें 24 घंटे का ECG, उसे हम 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, या ALR इलेक्ट्रॉनिक हम हार्ट की जो रिकॉर्डिंग कराएं, तो वो 7 दिन की 15 दिन की भी कर सकते हैं, तो हमारी हार्ट की में कौन सा इरेगुलर डिसऑर्डर है। और फिर उसके बाद अगर हमें ये तकलीफ होती है तो दोस्तों हमें पेसमेकर लगवाना पड़ सकता है, तो पेसमेकर हमारे हार्ट की रिदम को रेगुलर रह सकता है। सिंगल चैम्बर पेसमेकर और डबल चैम्बर पेसमेकर होते हैं, जो हमें हार्ट को, यहाँ हम बैटरी रखते हैं और उसमें हार्ट की हम पेसिंग करते रहते हैं, पर उसकी भी हमें रेगुलर चेकिंग करानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। ओम शांति। मित्रों, एक बार डूबते हुए सूरज ने संसार वालों से पूछा कि मेरे जाने के बाद जगत को कौन प्रकाशित करेगा। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। एक नन्हा सा दीपक सामने आया, उसने कहा कि ये कार्य मैं करूंगा, यद्यपि आपकी तरह मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा विशाल रूप में, लेकिन हाँ, आप जो करते हैं वही कर्तव्य मैं भी करूंगा, अपने आसपास जितना हो सके रोशनी फैलाऊंगा। एक ऐसे ही दीपक के रूप में हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में विशिष्ट जनों को देखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को दीपक की तरह बनाया है, अपने आप के प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हैं, अपने जीवन के आदर्शों से औरों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही आज भी हमारे साथ हैं एक विशिष्ट अतिथि, श्री JP नड्डा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ ही भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। आइए मिलते हैं। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भारत के स्वास्थ्य के दृष्टि से अभी तक हमारा ध्यान या कोशिश क्यूरेटिव पार्ट पर रहा है जी। हमारी कोशिश है कि बीमार क्यों होता है, बीमार ना हो व्यक्ति, स्वस्थ कैसे रहे जी, प्रिवेंटिव पार्ट पर भी जोर देने की आवश्यकता है। और प्रिवेंटिव पार्ट में जो हमारे दो तरीके की डिजीजेज हैं, एक तो कम्युनिकेबल डिजीजेज है जिसको हम वैक्सीनेशन के माध्यम से उससे प्रिवेंट कर पाते हैं, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है जी। तो लाइफस्टाइल को भी हम इम्प्रूव करें ताकि हम पहले बीमारी को न्योता ना दें और हम अपने जीवन शैली को इस प्रकार से बनाएं ताकि हम अनावश्यक बीमारियों के घेरे में ना आएं। और दूसरा ये है कि अगर बीमार हो जाए तो उसके पश्चात उसका क्यूरेटिव पार्ट और अच्छा मजबूत कैसे हो सकता है, कैसे हम सबको स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और ये यहाँ एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है और एक जिसको कहते हैं सकारात्मक विचारों का प्रतिपादन यहाँ होता है, और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से
हजारों लाखों लोग के जीवन शैली में परिवर्तन आया है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के दूत बने हैं और वो पॉजिटिव थिंकिंग को समाज में ले जा रहे हैं। उनके माध्यम से समाज में जो निराशाजनक वातावरण है वह रचनात्मक वातावरण और वो पॉजिटिव वातावरण में परिवर्तित हुआ है और यहाँ के वातावरण से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, व्यक्ति उससे बहुत कुछ सीखता है और प्रेम करता है और सभी के प्रति एक आदर भाव के साथ बढ़ने की उसकी प्रेरणा बनती है और वो उसमें अपने मन को भी उसको खुशी होती है और वो दूसरे में भी खुशी बांटने लायक होता है। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है कि एक नन्हा सा दिया घनघोर अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है तो किस बात से डरता है। कितनी सुंदर सी बात है ना, एक छोटा सा दिया, हाँ, एक नन्हा सा चिराग कितने बड़े अंधकार से लड़ता है, उसके साहस को देखकर सलाम भरने की इच्छा होती है। हम तो ईश्वर की रचना है, ईश्वर की कृति है, उनका आशीष हमारे ऊपर है, फिर हम किससे डरें, क्यों डरें, जब उसका हाथ हमारे सिर पर है। यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान करती हैं, ये विश्वास जागृत करती हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप निर्भय होकर निश्चिंत होकर इस जग में विचरण करें और जीवन का आनंद लें। आइए देखते हैं उनके इस सुंदर सेवा कार्य को कि वो कहाँ कहाँ ये सुंदर ज्ञान का प्रकाश दे रही हैं। ब्रह्मा कुमारी मोहाली द्वारा सुख शांति भवन में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मोहाली के 5 विभिन्न स्कूलों के 150 छात्रों ने भाग लिया। बीके शशि ने छात्रों को बाहरी पारितंत्र और इसके संरक्षण के तरीकों के बारे में संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने हमारे आंतरिक पारितंत्र के बारे में भी बताया और इसे विचारों की शक्ति से सशक्त बनाने का उपाय बताया। बीके अदिति ने छात्रों को राजयोग ध्यान के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया और यह स्पष्ट किया कि कैसे ध्यान दोनों प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को संभालने में हमारी मदद कर सकता है। राजयोग केंद्र मोहाली रोपड़ सर्कल की प्रभारी बी के प्रेम ने सुखी जीवन के लिए नैतिक मूल्यों को अपनाने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इस खूबसूरत ग्रह की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छी भावनाएं और कंपन पैदा करने पर जोर दिया। छात्रों के लिए धरती माता के बारे में प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। छात्रों ने पानी और सभी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संकल्प भी लिया। वहीं राजेंद्र नगर वन तालाब जम्मू सेवा केंद्र पर भी विश्व पृथ्वी दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में विश्व ग्लोब को परमात्मा की शक्तियों के विभूषण दिए गए। इस दिन पर नए पौधे लगाए गए और धरती माँ को बचाने के लिए प्रतिज्ञा ली गई। मित्रों, जब कभी आप अपने पैतृक गांव जहाँ दादाजी नाना जी रहा करते थे वहाँ गए होंगे तो आपने कृषि करते हुए कृषकों को देखा होगा। वो फसलों का बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे यदि बीज ना डाला जाए तो अपने आप ही घास फूस पैदा हो जाते हैं, उनके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। फसल भी लगा दी जाती है उसके बाद भी घास फूस वहाँ आ जाते हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक निकाल के अलग किया जाता है, अन्यथा फसलों को वो बर्बाद कर देते हैं। तो फसलों पर ध्यान दिया जाता है, परिश्रम किया जाता है, खरपतवार पर नहीं। ठीक वैसे ही अपने विचारों पर, सुंदर विचारों पर हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। बुरे विचार तो अपने आप ही खरपतवार की तरह पनपते रहते हैं, लेकिन ध्यान हमें देना है कि अपने जीवन को हमें कैसा बनाना है। तो क्यों ना मित्रों, आज फिर से हम सब मिलकर ये होमवर्क करें कि सारे दिन मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। ये विचार अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सकारात्मक हो, अच्छे से अच्छा हो, हम इसकी आदत डालें। बुरे विचारों से अपने आप को मुक्त करते चलें तो जैसे एक बार आदत हो जाती है, वो आदत बहुत सहज सरल रूप से हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। वैसे ही विचारों को भी, अच्छे विचारों को क्यों ना
आदत बना लें। आइए आज मिलकर इस पर हम सब कार्य करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।